नमस्कार मित्रों, आज आप बात करीशुं शिरडी में आवेला साईं बाबाना इतिहास विषे अने तेनी रोचक बातों विषे अमे तमने जणावीशुं। साईं बाबा कोण हता अने तेमनो जन्म क्यां थयो हतो, आ प्रश्न एवो छे एनो जवाब कोईनी पासे नथी। साईं बाबाए क्यारे आ वातनो उल्लेख नहोतो कर्यो, तेमना माता पिता कोण हता अने तेमनी पण कोई माहिती नथी। बस एक वार पोताना एक भक्ते द्वारा पूछवामां आव्युं के साईं बाबाने कह्युं हतुं के तमारो जन्म क्यारे थयो, तो साईं बाबाए जणाव्युं हतुं मारो जन्म 28 सप्टेम्बर 1836 थयो हतो। तेथी दर वर्षे 28 सप्टेम्बरना रोज साईं बाबानो जन्मोत्सव उजवामां आवतो हतो। साईं बाबाए पोताना जीवननो एक मोटो भाग जूना मस्जिदमां वितायो, जेने तेओ द्वारा माई कहता हता। माथा पर सफेद कपन बांधी अने कबीरना रूप में साईं शिरडीमां धूनी रमावता रहता हता अने तेमना रूपने कारणे केटलाक लोको मुस्लिम माने छे। ज्यारे द्वारका प्रत्ये श्रद्धा अने प्रेमने कारणे केटलाय लोको तेमने हिंदू माने छे, पण साईए कबीरने जेम क्यारेय खुदने जातिना बंधनमां नहोता बांध्या। हिंदू कोई के मुस्लिम साईए बधा प्रत्ये समान भाव राख्यो अने क्यारे आ वातनो उल्लेख न होतो कर्यो। साई हमेशा मानव प्रेम अने दया भावना पोताना धर्म मानता हता। जे पण तेमनी पासे आवतो ते तेमना पण कोई पण प्रकारना भेदभाव वगर कृपा करता। साई बाबाना आ व्यवहारे तेमने शिरडीना चाय बाबा अने भक्तोना भगवान बनावी दीधा। जो के साईं बाबानुं नाम साईं केवी रीते पड्युं तेनी एक रोचक कथा छे। कहेवाय छे के सन 1856 पहली वार साईं बाबा शिरडीमां जोवा मळ्या। ते दरमियान बाबानी वय 16 वर्षनी हती। शिरडीना लोकोए बाबाने पहली वार एक लीमडाना झाड नीचे समाधिमां लीन जोया हता। ओसी वयमां सर्दी गरमी भूख तरस जरा पण चिंता कर्या वगर बाळ योगी कड़क तपस्या करता जोए लोको खूब ज आश्चर्य थयुं ने त्याग ने वैराग्यनी मूर्ति बनेला साईं बाबाए धीरे धीरे लोकोनुं मन मोही लीधुं। थोड़ा समय शिरडीमां रहीने साईए एक दिवस कोईने कह्या वगर अचानक त्यांथी जता रह्या। થોડા વર્ષ પછી સાંદ પાટીલ નામની એક વ્યક્તિના જાનૈયાઓ સાથે સાઈ એકવાર ફરી શિરડીમાં આવી પહોંચ્યા। ખંડોબા મંદિરમાં પૂજારી મલહાલ સાપતીએ સાઈને જોતા જ કહ્યું કે આવો સાઈ, આ સ્વાગત સંબોધીન પછી તે શિરડીમાં ફકીર તરીકે સાઈ બાબા તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા। સાંઈએ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન એવો ચમત્કાર બતાવ્યા જેનાથી લોકોને તેમના ઈશ્વરનો અંશ અનુભવ્યો અને આ ચમત્કારીઓએ સાંઈને ભગવાન અને ઈશ્વરનો અવતાર બનાવી દીધો।